हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम बात करेंगे उत्तराखंड जिला सहकारी बैंकों के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में आज हम फिर से बात करेंगे। इसकी रिपोर्ट्स को लेकर क्या हुआ, बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि करीब लगभग 2 साल से ऊपर होने को आया है, 412 पदों के लिए जो ग्रुप डी की भर्ती थी उनमें फिजिकल भी हुए, इंटरव्यू भी हुए और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट जारी होने के बाद पता चला कि इनमें घोटाले हुए हैं। जाँच बैठी लगातार, 1 साल तक जाँच चली। नीरज बेलवाल और सहायक निबंधक जो हैं गढ़वाल के, उन्होंने इसकी जांच की, उसके बाद शासन को सौंपी। उसके बाद शासन ने फिर से जांच के नाम पर इसको फाइल रिवर्ट कर दी। फिर जांच हुई, उसके बाद तमाम जो टॉप लेवल के अधिकारी थे उनका पक्ष रखा गया। फिर जांच हुई, उसके बाद फाइल कार्मिक विभाग के लिए राय के लिए भेजी गई, फिर न्याय विभाग को भेजी गई। फिर जो है ये हुआ कि फिर एक बार जाँच की जाए। अब जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो यार लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो है लगातार इस भर्ती पर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, कोऑपरेटिव भर्ती घपले में सौंपी रिपोर्ट। जी हाँ, फाइनली जो है रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घपले में शासन को, जी हाँ शासन को जाँच समिति से अंतिम रिपोर्ट मिल गई है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक भर्ती घोटाले की जो जांच रिपोर्ट थी, समिति ने अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। अब कार्रवाई पर शासन को फैसला लेना है। जैसे कि आपको पता है कि मामला देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ के सहकारी बैंकों में घोटाले को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इस पर शासन स्तर से जाँच के आदेश दिए गए थे। तीनों जो जिला सहकारी बैंक हैं उनमें जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को लेकर ये मामला हुआ था। हालांकि हमने हर बार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। और फिलहाल बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त के निकल के सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि शासन को जांच समिति से अंतिम रिपोर्ट मिल गई है। अब कार्रवाई पर शासन को फैसला लेना है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने कई वीडियोज़ के माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है कि कार्मिक विभाग और शासन के बीच लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। एक रिसेंट टाइम में अभी मीटिंग भी हुई है, बोर्ड मीटिंग भी हुई है, ठीक है। उसके अलावा न्याय विभाग भी इस पर जो है परामर्श न्याय विभाग ने भी दिए हैं। अब ये देखना है कि सारी गेंद अब जो है शासन के हाथों में है। अब देखना ये है कि क्या निर्णय निकल के आता है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।